So hello guys, this is me Ankit and welcome to my channel AC Aero Hub and first of all very sorry because बहुत दिनों बाद जो है मैं दोबारा वीडियो अपलोड कर रही हूँ because due to some college work मैं वीडियो बना नहीं पाई थी तो अपलोड नहीं हो पाया but finally we are back with chapter 13 of class 12 history that is महात्मा गांधी and the nationalist movement. तो ये जो chapter है बहुतों को hard लगती है, बहुतों को interesting लगती है and कुछ लोगों को easy भी लग सकती है, ठीक है. But believe me ये chapter बहुत ज़्यादा interesting है, तो मैं आज try करूँगी कि जितना ईजी वे में, जितना इंटरेस्टिंग वे में इस चैप्टर को आप तक पहुंचा पाओ, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़े आएंगे आपको बिकॉज हमें पढ़ने को मिलेगा कि यार कि नेशनलिस्ट मूवमेंट या फिर जो इंडिपेंडेंस के लिए जो स्ट्रगल चल रहा था उसमें क्या क्या हो रहे थे, ठीक है, मतलब कैसे हमें आखिर इंडिपेंडेंस मिली, तो इस बारे में पढ़ने को मिलेगा. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे भी काम आएगा, तो वीडियो को पूरा देखना एंड बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं. सर देखो, हम जब भी नेशनलिस्ट मूवमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो हम जब भी नेशनलिस्ट मूवमेंट की बात करते हैं तो इंडिया में ही नेशनलिस्ट मूवमेंट नहीं हुआ है बल्कि बहुत सारे कंट्रीज में हुए हैं. जैसे आपने 10th में एक चैप्टर पढ़ा होगा जहाँ पे आपने देखा होगा यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक है, तो जब हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात करते हैं तो उसमें हम एक लीडर का नाम लेते हैं गरिबाल्डी, या फिर आप अमेरिकन वॉर ले लो, सिविल वॉर वगैरह जो हुई थी उसमें जॉर्ज वॉशिंगटन का नाम लेते हैं, जब वियतनाम पे जो लिबरेशन मूवमेंट चला था उसमें हम हो चिन मिन का नाम लेते हैं, ठीक है. तो हर एक नेशनलिस्ट मूवमेंट के साथ साथ ना एक लीडर जुड़ा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वही लीडर होता है, मतलब उसके अलावा कोई होता ही नहीं उस मूवमेंट में, ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज काफी लोगों की सपोर्ट चाहिए किसी भी चीज को सक्सेस बनाने के लिए. तो नेशनलिस्ट मूवमेंट में काफी लीडर्स होते हैं, काफी सपोर्टर्स होते हैं, लोकल पीपल होते हैं, बट फिर भी कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो कि एक लोगों को, मतलब लोगों के अंदर वो फीलिंग पैदा करती है नेशनलिज्म की या फिर रिवोल्यूशन की, या फिर एक ऐसा पर्सनालिटी जिन्होंने बहुत अपना रोल जो है प्ले किया है. तो वैसे ही जब हम इंडिया के नेशनलिस्ट मूवमेंट की बात करते हैं तब हम किनका नाम लेते हैं, महात्मा गांधी, ठीक है. इनका जो रियल नेम है वो है मोहनदास करमचंद गांधी, बट इनको महात्मा गांधी बोला जाता है बिकॉज ऑफ इट्स रोल. तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि क्या रोल प्ले किया था, क्या मतलब कितनी बार जेल गए थे, कितनी बार वापस आए, फिर उन्होंने क्या किया, कैसे जो है हमें इंडिपेंडेंस तक पहुंचाया, इन सारी चीजों को हम बात करेंगे. तो शुरुआत करते हैं शुरू से कि शुरू में क्या क्या हुआ था. मैं थोड़ा सा आपको ना मतलब हिस्ट्री बताऊंगी बिकॉज ना अगर आप पूरी बात नहीं जानोगे तो मजा नहीं आता है, ठीक है. तो यार हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए बट इसको ध्यान से सुनना क्योंकि आप इसको फिर कनेक्ट कर पाओगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं शुरुआत से. तो मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको महात्मा गांधी भी बोला जाता है, गांधी बापू भी बोला जाता है, द फादर ऑफ द नेशन भी बोला जाता है, ठीक है. तो इनका रियल नेम है मोहनदास करमचंद गांधी और ये एक बनिया फैमिली से थे एंड इनका मेन पेशा, जो इनका मेन ऑक्यूपेशन था वो था लॉयर. तो ये पहले लॉयर थे, लीडर से पहले ये लॉयर थे, ठीक है. एंड तो क्या हुआ था, इन्होंने अपनी लॉ वगैरह की पढ़ाई पूरी की एंड आखिरकार जो है मतलब यहाँ पे इंडिया में उनको जॉब मिलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, ठीक है. तो एक दिन क्या हुआ 1893 में, ठीक है, 1893 में क्या हुआ कि 1893 से पहले ही 1893 से पहले ये हुआ कि साउथ अफ्रीका में एक कोई दादा अब्दुल्ला थे, तो उनको उन्होंने फ़ोन किया था और कहा कि हमें लॉयर की ज़रूरत है, हमारे कज़िन के जो है लॉयर उनको चाहिए, तो आप आ जाओ, ठीक है, साउथ अफ्रीका में आ जाओ. एंड इंडिया में ऐसे भी उनको काम इतना मिल नहीं रहा था, लॉयर की डिग्री तो उन्होंने कर रखी थी बट काम इतना मिल नहीं रहा था. तो वो 1893 में कहा गए साउथ अफ्रीका, ठीक है, 1893 में कहा गए साउथ अफ्रीका. अब देखो साउथ अफ्रीका में जाके जो है हम कह सकते हैं फर्स्ट उन्होंने एज अ लीडर जो है वो उभर के आए, एक लीडर की तरह जो है उन्होंने वहां पे कुछ काम किए. आप लोगों को पता होगा जो अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम वगैरह चलता था, ठीक है, आपने रंग भेद होता था. तो जब गांधी जी जो है वो जो अफ्रीका जा रहे थे तो ट्रेन में उन्होंने फर्स्ट क्लास की टिकट काटी थी, ठीक है, एंड फर्स्ट क्लास के टिकट में तो वो गए बैठे एंड जब वो मतलब फर्स्ट क्लास की मतलब ट्रेन में जब चढ़े ना तो उनको उसके बाद क्या हुआ, निकाल दिया गया. क्यों? क्योंकि उस टाइम भेदभाव होता था बिटवीन दी वाइट्स एंड दी नेटिव इंडियंस या फिर ब्लैक्स. तो वाइट के साथ या फिर उनके वाइट मैन या फिर जो गोरे लोग थे, ठीक है, उनके कोच में कोई नहीं आ सकता. तो अब गांधी जी को क्या हुआ, निकाल दिया गया. तो उससे जो है मन में ना एक आग पैदा हुई कि क्यों ऐसा जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. तो वहां पे अफ्रीका में, तो ये 1893 में वो कहां गए, अफ्रीका में गए.
ओके तो अफ्रीका में जाके उन्होंने फर्स्ट जो है क्या किया, एज अ नॉन कॉपरेशन नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किया, जो सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है, वहां पे जाके उन्होंने फर्स्ट सत्याग्रह उन्होंने किया। एंड रिलीजियस के बीच में, रिलीजियंस जितने भी है उनके बीच में हारमोनी बनी रहने की या फिर पीस शांति एक कॉपरेशन बनी रहने की बात की। साथ में जो अपर कास्ट है, ठीक है, अपर कास्ट को ये बोला गया कि यार आप लोग ये जो डिस्क्रिमिनेशन करते हो उसके खिलाफ भी अलर्ट किया गया, कि जो वेमेन्स लोअर कास्ट के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके बारे में भी बोला गया। क्योंकि अफ्रीका में ना उस टाइम क्या हो रहा था, जो अपार्थाइड सिस्टम थे, एक थी रंगभेद था, नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने कितनी ज़्यादा जो है स्ट्रगल की थी उसके लिए। साथ में नेटिव इंडियंस जो है उनके लिए, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता था एंड जो वाइट्स हैं इनको डिस्क्रिमिनेट करते थे, ठीक है। तो ये सब मामला था एंड अफ्रीका में उन्होंने एज अ लीडर जो है फर्स्ट सत्याग्रह किया था, नॉन वायलेंट मूवमेंट किया था। अब देखो अफ्रीका में जो है 1893 में गए एंड लगभग 20 डिकेड से ज़्यादा ही हो गया, ठीक है, बीच में वो इंडिया भी आए थे। तो 1915 में वो आए इंडिया में, ठीक है, 1915 में वो इंडिया में आए एंड इस पूरे 20 दशक में, ठीक है, 20 डिकेड्स में, बीच में एक बार इंडिया में आए थे, ठीक है, तो उसके बाद फिर से चले गए एंड वहाँ के बाद जो है 1915 में आए। तो ये जो 20 डिकेड्स, ठीक है, 20 दशक तक वो कहाँ पे थे, साउथ अफ्रीका में थे एंड उन्होंने वहाँ पे एज अ लीडर, इसलिए एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है चंद्रन देवान्या सेन। तो ये जो हिस्टोरियन है इन्होंने क्या बोला था कि साउथ अफ्रीका वॉज द मेकिंग ऑफ द महात्मा। तो साउथ अफ्रीका से जो है महात्मा का जन्म हुआ, हम कह सकते हैं एक मेकिंग हुआ, उनकी शेपिंग हुई एज अ लीडर, ठीक है। 1915 में उसके बाद जो है वो कहां पे आए, इंडिया में आए। अब 1915 में जब वो इंडिया में आए तो उनको थोड़ा डिफरेंस लगा इंडिया में, क्योंकि देखो यार चेंज ये नहीं हुआ था कि ब्रिटिश चली तो नहीं गई थी, ऑफकोर्स ही बात है ब्रिटिश थी उस टाइम पे, बट कुछ चेंजेस हो गए थे, मतलब 1893 के भारत में और 1915 के भारत में बहुत ज्यादा चेंजेस थे। बिकॉज उस टाइम में जो है 1915 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है बहुत मतलब टाउन्स में, सिटीज में और ज्यादा फैल रही थी, डिफरेंट लोगों तक, डिस्ट्रिक्ट्स में जो है और ज्यादा लोगों तक जो है स्प्रेड हो रही थी, इनके ब्रांचेस स्प्रेड हो रहे थे। एंड जो 1905 से 07 के बीच में जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, उन्होंने जो है अपनी अपील बढ़ा दी थी, ठीक है। इस टाइम में आके उन्होंने देखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रांचेस जो है और ज्यादा बढ़ रहे हैं, और ज्यादा स्प्रेड हो रहे हैं, और ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं। साथ में स्वदेशी मूवमेंट में जो है इन्होंने देखा कि जो अपील है, जो मिडिल क्लास तक अपील और ज़्यादा पहुंच गई है। तो ये इसी स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे ना तीन लीडर्स उभर के आए, आपने नाम भी सुना होगा, जिनको कहा जाता है लाल बाल और पाल, आपने सुना होगा इनको जो है लाल बाल पाल बोला जाता है। ये तीन लीडर्स जो है उस टाइम में उभर के आए थे। लाल से हो गया लाला लाजपत राय, जो कहाँ के थे, पंजाब के, ठीक है, ये याद रखना कहाँ के थे, पंजाब के। बाल से क्या हो गया, बाल गंगाधर तिलक, जो कहां के से, महाराष्ट्र के थे, ठीक है, यहां पे मैं लिख देती हूं महाराष्ट्र। एंड जो पाल थे, बिपिन चंद्र पाल इनका नाम है, जो वेस्ट बंगाल से थे। अब देखो महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, पंजाब, ये तीनों जो है डिफरेंट डिफरेंट जगह से थे, बट फिर भी इन्होंने ऑल इंडिया लेवल पे जो है अपना जो स्ट्रगल किया, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट किया। एंड इनका ये मानना था कि कॉलोनियल रूल के प्रति हमें ना लड़ाकू बनना चाहिए, मींस हमें मिलिटेंट के थ्रू जो है हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, ठीक है, मतलब ये थोड़े एक्सट्रीमिस्ट थे। ओके, आप समझ रहे हो, ये थोड़े एक्सट्रीमिस्ट थे, ये मतलब हथियार या फिर वायलेशन के थ्रू जो है ब्रिटिशर्स से, कॉलोनियल रूल से छुटकारा पाना चाहते थे। एंड उस टाइम में स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे ये जो अपील है मिडिल क्लास तक पहुंची। अब यहाँ पे ये लोग जो थे एक्सट्रीमिस्ट थे, बट कुछ और लोग थे जो इनको कहा जाता है मॉडरेट्स। मॉडरेट्स कौन होते हैं, अब देखो मॉडरेट्स मतलब ये होता है कि मतलब ये थोड़े बीच वाले, ठीक है, मीडियम, मतलब ये चाहते हैं कि धीरे धीरे और मतलब परसुएसिव वे में, ठीक है, तो इनको जो है ब्रिटिशर्स को हम निकालेंगे, मतलब ये ज़्यादा लड़ाकू टाइप के नहीं थे, ये मॉडरेट्स थे। इनका मानना था कि हम धीरे धीरे और बहुत ज़्यादा परसुएसिव वे में, ठीक है, हम लगे रहेंगे, करते रहेंगे और तब जाके हम जो है ब्रिटिशर्स को बाहर भगाएंगे। ये एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, ठीक है, इतने वायलेंट किस्म के ये नहीं थे। मॉडरेट्स में से दो लीडर्स का नाम आप देखो, एक थे गोपाल कृष्ण गोखले एंड दूसरे थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो गोपाल कृष्ण गोखले एक मॉडरेट्स थे एंड साथ में जो है ये कांग्रेस के सीनियर मेंबर थे।
एंड साथ में ये थे गांधी जी के पॉलिटिकल मेंटर, ठीक है। एंड इन्होंने गांधी जी को इन्फ्लुएंस किया था कि आप भी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करो, ठीक है। तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो है पॉलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी, साथ में एक सीनियर लीडर ऑफ कांग्रेस, एज वेल एज मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मतलब एक लॉयर थे गांधी जी की तरह, एंड मतलब ये पढ़े लिखे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने लंदन में ट्रेनिंग ली थी। तो मोहम्मद अली जिन्ना एंड गोपाल कृष्ण गोखले दोनों ही मॉडरेट्स थे। एंड गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करें। एंड इन्होंने ये भी बोला था गांधी जी को कि आप जो है पहले पूरे भारत को घूम के देखो, ठीक है, क्योंकि जब तक आप भारत को नहीं घूम के देखोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा लोगों के बारे में कि लोग जो है दिल्ली में रहते हैं, क्या लैंड है। तो गांधी जी ने पूरा एक साल जो है अपना पूरा इंडिया को घूमने में, दर्शन करने में इन्होंने लगा दिया था। फाइनली 1916 में इसके एक साल बाद अगर आप देखो तो गांधी जी ने फर्स्ट अपना पब्लिक अपीयरेंस दिया था। पब्लिक अपीयरेंस दिया था इन द सेंस कि जब वो इंडिया आए थे उसके बाद इनका फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस था, जहां पे उनको बुलाया गया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आपने सुना होगा BHU, वन ऑफ द रेप्यूटेड बेस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो कहां पे है उत्तर प्रदेश में है। तो BHU के जो इनॉग्रेशन में इनको इन्वाइट किया गया था, ठीक है। तो 1916 फरवरी 1916 में इन्होंने अपना फर्स्ट अपीयरेंस दिया था। अब देखो ये कुछ बहुत ज्यादा मतलब फेमस वगैरह तो इतने थे नहीं, बट लोग उनको बस इसलिए जानते थे कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में कुछ किया था, तो उस वजह से लोग उनको जानते थे, बाकी इतनी पॉपुलैरिटी उतनी थी नहीं उनकी। तो उस इनविटेशन में मींस जब इनॉग्रेशन हो रहा था तो बहुत ज्यादा हाई स्टेटस के लोग आए हुए थे, जैसे प्रिंसेस आए हुए थे, एज वेल एज फिलेंथ्रोपिस्ट आए हुए थे जिन्होंने डोनेशन वगैरह दिया था, जो कांग्रेस लीडर्स है बहुत बड़े बड़े कांग्रेस लीडर्स आए हुए थे, एनी बेसेंट जो है वो आई हुई थी। एनी बेसेंट कौन है याद रखना, शी इज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ठीक है। एनी बेसेंट फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, कहीं कॉपी वॉपी है तो लिख लो, ठीक है। एनी बेसेंट आई हुई थी एंड उनके सामने गांधी जी का कोई इतनी पॉपुलैरिटी या फिर नोन पर्सनैलिटी वो नहीं थे, बस लोग उनको इसलिए जानते थे क्योंकि साउथ अफ्रीका में उन्होंने कुछ किया था, ठीक है। ओके, अब जब क्या हुआ ना कि गांधी जी की स्पीच की बारी आई, ठीक है, गांधी जी को बोलने दिया गया, उनको स्पीच देना था, तब इन्होंने अलग ही मतलब उन्होंने टॉपिक छेड़ दिया, ठीक है। इन्होंने कुछ ये नहीं बोला कि यार कॉन्ग्रेचुलेशन तुम लोग यूनिवर्सिटी खोल रहे हो या फिर ऐसा कुछ भी नहीं बोला, एंड डायरेक्ट मुद्दे की उन्होंने बात की। तो उन्होंने ये बोला कि यार भले तुम लोगों का ये गॉर्जियस शो है, अच्छा शो है, सही शो है, बट मैं चिंतित हूँ ये डिफरेंस देख के बिटवीन दी एलाइट एंड दी मिलियंस ऑफ पुअर्स दैट आर एब्सेंट, ठीक है। जो ये एलाइट्स थे जो यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं, जो कुछ ही संख्या में है, ठीक है, जो रिच है, रिच क्लास है, वो यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड जो मिलियंस ऑफ पुअर्स जिनको बुलाया ही नहीं गया है, एब्सेंट है, उनके बीच में जो डिफरेंस देख के मैं बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि उनका मानना था अगर हमें इस देश में अगर इसको मुक्त करना है, हमें मोक्ष दिलाना है, मुक्ति दिलानी है इस कॉलोनियल रूल से इंडिया को, तो हमें क्या करना होगा, ये जो रिच क्लास है इनको क्या करना होगा, ये जो ज्वेलरी की तरह ये जो बंधे हुए हैं ना, ठीक है, ज्वेलरी में आप देखते हो ना मोती एक साथ बंधी हुई होती है, तो वैसे एक साथ बंधने से काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उससे बाहर निकल के जो है लोगों के प्रति, हमारे कंट्रीमैन के प्रति, जो इंडिया में जो लोग रहते हैं उनके प्रति जो है हमें एक विश्वास जगाना होगा, ताकि लोग जो है साथ में आए, तो तभी देश को जाके मुक्ति मिल सकती है, उससे पहले मुक्ति नहीं मिलेगी। उन्होंने साथ में ये भी बोला था कि अगर हम दूसरे लोगों को, मीन्स ब्रिटिशर्स की बात चल रही थी, अगर हम ब्रिटिशर्स को अलाउ करेंगे कि हमारे यहाँ के किसान की जो मेहनत की कमाई है उसको लेके जाए, ठीक है, हम रोके भी ना, तो हमारे देश को मुक्ति मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगी या फिर हमें जो है स्वराज कभी मिलेगी ही नहीं, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला था कि अगर हमें देश को मुक्ति दिलानी है, फ्रीडम दिलाना है कॉलोनियल रूल से, तो हमें पहले अपने कंट्री मैन के प्रति सोचना होगा, हमारे जो इंडियंस हैं उनके बारे में पहले सोचना होगा, ठीक है। भले ही तुम कितना भी रिच हो जाओ, तुम अपने देशवासियों के बारे में अगर नहीं सोचोगे, उनके अंदर एक ट्रस्ट नहीं पैदा करोगे, तो हमें कैसे मिलेगी ये जो है मुक्ति। आप कितना भी नेशनल मूवमेंट चला लो फिर भी हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें लोगों को साथ में लेके आना है, सबके प्रति जो है इस नेशनलिज्म की भावना को जगाना है, ठीक है। देखो फिर ये कितना ज़्यादा जो है इम्पैक्टफुल स्पीच था, ठीक है। इस स्पीच में ना
दो चीजें झलक रही थी उस टाइम पे। एक तो ये भी झलक रहा था कि ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है ये बस जो है रिच लोगों का, इलाइट लोगों का जो है क्रिएशन है, जहाँ पे लॉयर्स, डॉक्टर्स, लैंडलॉर्ड्स है। दूसरा ये भी झलक रहा था कि उनकी वो एक डिजायर है कि ये जो नेशनल मूवमेंट है इसमें इंडियन पीपल भी आए, मतलब इंडियन पीपल्स की रिप्रेजेंटेशन हो अपार्ट फ्रॉम द रूरल पीपल, मतलब यहाँ पे इंडिया के लोग भी इससे जुड़े होने चाहिए, सारे लोग जुड़े होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें झलक रही थी, एक तो उनकी क्रिटिसिज्म भी झलक रही थी कि कैसे ये जो है एक एलाइट फिनोमिना है, साथ में उनकी वो डिजायर भी झलक रही थी कि इंडियन पीपल्स की रिप्रेजेंटेटिव की। ठीक है, तो दैट इज द स्पीच, और ये स्पीच बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल था। ठीक है, आपको, आप अगर जब ये फ्रेजेस पढ़ोगे ना, एक वो फीलिंग लाना। ठीक है, एंड ये 1916 में इनका ये फर्स्ट स्पीच था जहाँ पे उन्होंने फर्स्ट स्पीच दी थी, साथ में दिसंबर के करीब, ठीक है, लास्ट में ईयर के लास्ट में जो है एक लाहौर सेशन भी इनका हुआ था, सॉरी एक ब्रिटिश जो कांग्रेस है उनका सेशन हुआ था जो कि लखनऊ में हुआ था दिसंबर 1916 में। अब क्या हुआ ना, देखो जब ये दिसंबर में इनकी सेशन हुई थी कांग्रेस की, तो वहां पे एक पीजेंट आए थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला, जो कि चंपारण में एक पीजेंट थे, एंड वो महात्मा गांधी जी के पास आए और उन्होंने मतलब कुछ हार्श कंडीशन या हार्श ट्रीटमेंट के बारे में बताने आए कि पीजेंट के साथ चंपारण में क्या क्या हो रहा था। तो वो महात्मा गांधी जी के पास गए थे, एक बार में तो मतलब गांधी जी गए नहीं क्योंकि बिजी थे, तो वो दो तीन बार उनके पास गए, एंड आखिरकार गांधी जी ने जो है ये तय किया कि मैं चंपारण जाऊंगा। तो यहां से शुरू होता है एक दूसरा फेज, दूसरा फेज साथ में आपका जो सेकंड टॉपिक है दैट इज द मेकिंग एंड द अनमेकिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन। इसमें लगातार नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, क्या हुआ हम देखेंगे। तो मैंने अभी बात किया कि राजकुमार शुक्ला आए थे जो एक पीजन थे चंपारण में, चंपारण कहां बिहार में, एंड महात्मा गांधी जी के पास ये अपील लेके आए थे कि आप हमारे साथ जो है एक बार चलो क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है पीजन के साथ बहुत ज्यादा बुरा ट्रीटमेंट हो रहा है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने बोला ठीक है मैं आता हूँ आपके साथ, आप बताओ क्या हुआ है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी कब गए वहां पे, 1917 में, ये ध्यान रखना। ठीक है, 1916 के बाद 1917 में गए, यहाँ पे भी मैं डेट लिख देती हूँ 1917 फॉर चंपारण मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह जो भी हुआ था। एंड इसके साथ एक चीज याद रखना, ये पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट CDM, दिस इज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कहीं पे लिख लो बहुत ज्यादा काम आएगा। तो 1917 चंपारण सत्याग्रह फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यहाँ पे क्या हो रहा था देखो, यहाँ पे जो पीजेंट्स है ना इनको जो है अपने लैंड पे इंडिगो उगाना पड़ रहा था। ठीक है, अब इंडिगो उगाना पड़ रहा था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कहा था ये कंपल्सरी आप अपने खेत में इंडिगो उगाओगे, ऐसा कुछ सिस्टम था, पांच कठिया, ठीक है, पांच कठिया सिस्टम, जहाँ पे फिफ्थ पार्ट ऑफ देयर लैंड में जो है उनको मतलब अगर 20% लैंड है तो उसमें से 5% लैंड में क्या उगना चाहिए आपका इंडिगो। बट इसमें एजिटेशन प्रोटेस्ट हुआ, फिर तीन कठिया लैंड हो गया। ठीक है, 3 बीघा जमीन पे आपको जो है इंडिगो उगाना है। अब क्या हो रहा था, इंडिगो उगाने से एक तो उनकी फूड ग्रेन ज्यादा उग नहीं पा रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रहा था। उसके बाद इंडिगो में उन्होंने कंपल्सरी कर दिया था कि इंडिगो भी आपको उगाना है, बट वो पैसे भी इतना ज्यादा नहीं देते थे, उल्टा उनसे टैक्स लेते थे। तो पीजन के ऊपर बहुत ज्यादा गलत ट्रीटमेंट हो रहा था, टैक्स भी देना पड़ रहा था उनको, उल्टा उनको पैसे भी नहीं मिल रहे थे, वो फूड ग्रेन्स भी नहीं उगा पा रहे थे, एंड काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था इंडिगो की वजह से। ठीक है, एंड ब्रिटिशर्स जो है इंडिगो का क्या कर रहे थे, डाई करके जो है वो बेचते बेचते थे। ठीक है, तो उनके लिए तो फायदा था क्योंकि उनको पैसे भी कम देने पड़ रहे थे, इंडिगो भी उग रहा है, बट पीजन्स के खिलाफ ये बहुत ज्यादा जो है नाइंसाफिया गलत ट्रीटमेंट था, जिसकी वजह से वहाँ पे महात्मा गांधी जी गए, एंड इन्होंने इसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किया, एंड इन्होंने जो है उसके खिलाफ मूवमेंट किया, एंड वो जेल भी गए थे। ठीक है, एंड जाके जो है उसके बाद कुछ सल्यूशन भी निकला था लास्ट में, ये जो प्रॉब्लम है एक अग्रेरियन बिल निकाला गया था जिसमें जो है ये निगोशिएट किया गया, एंड जाके फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिली। तो 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह, ये एक फर्स्ट डिसोबीडियंस था जहां पे ब्रिटिशर्स को एक मतलब
थोड़ा सा वो लगा था कि यार क्या हो रहा है, ठीक है। उनको कोर्ट में भी, उनको मतलब जेल में भी उनको डाला गया था, कोर्ट में भी पेशी हुई थी, ठीक है। उसके बाद 1918 में लगातार दो बार जो है दोनों जो केस है गुजरात से आए थे। फर्स्ट बात करेंगे हम अहमदाबाद मिल वर्कर्स की, ठीक है, जहाँ पे मिल वर्कर्स के खिलाफ जो है मिल वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया था। एंड सेकेंड हम बात करेंगे खेड़ा की, ठीक है। ये दोनों ही 1918 में गुजरात में हुआ था, जहाँ पे गांधी जी गए थे। अहमदाबाद में क्या केस था, देखो अहमदाबाद के जो मिल वर्कर्स थे ना, तो उस टाइम में क्या चल रहा था, प्लेग एक रोग आई थी, तो प्लेग की वजह से जो है लेबर्स जाना चाहते थे। बट अब प्लेग के टाइम पे लेबर्स जाना चाहते थे, अब उनको रोकने के लिए जो मिल ओनर्स है उन्होंने बोला था कि हम आपको जो है बोनस देंगे, ठीक है। बट उनकी जो बोनस थी बहुत ज्यादा कम थी, साथ में जो वर्किंग कंडीशन थी उनकी बहुत ज्यादा मतलब खराब थी, ठीक है। वर्किंग कंडीशन प्लस बोनस बहुत ज्यादा कम थी, जिसकी वजह से अहमदाबाद के जो मिल वर्कर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। तो महात्मा गांधी जी वहां पे आए, उन्होंने भी वहां पे जो है प्रोटेस्ट वगैरह किया, एंड फाइनली जाके इन्होंने नेगोशिएट किया, तो जो बोनस था वो थोड़ा सा जाके जो है बढ़ा था। तो फाइनली नेगोशिएट हुआ था 1918 में अहमदाबाद। सो दिस इज ऑल अबाउट द अहमदाबाद मिल ओनर्स। तो इसमें आप ऑल लेंथ में पढ़ सकते हो, बट मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि आपके बुक में इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट फिर भी आपको जानना चाहिए क्या हुआ था। ओके, खेड़ा की बात करते हैं। खेड़ा में क्या हुआ था कि उस टाइम पे ना 1918 में ही ऐसे एक टाइम आया था जहां पे क्रॉप्स फेलियर हो रहे थे, ठीक से क्रॉप उग नहीं रहे थे, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था, तो वो टैक्स कहाँ से देते, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जो है हाई टैक्स मांग रहे थे, एंड वो देने में असक्षम थे, क्योंकि उनके पास क्रॉप्स ही नहीं थे, उनकी कोई बिक्री नहीं हो रही थी, कोई पैसा ही नहीं मिल रहा था, ऊपर से भुखमरी भी चल रही थी, तो कहाँ से उनको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से जो है खेड़ा में भी जो है ये सब हुआ, स्ट्राइक हुआ, जो प्रोटेस्ट हुआ, एंड वहाँ पे महात्मा गांधी जी गए थे। तो तीन जो प्रोटेस्ट है हम देख सकते हैं एक के बाद एक। 1917 में चंपारण में जो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, उसके बाद हम देख सकते हैं 1918 में अहमदाबाद में, दूसरा खेड़ा में, जो कि दोनों ही गुजरात में है, वहाँ पे गांधी जी ने जो है उनके प्रोटेस्ट में जाके सहयोग किया था, या फिर उनके प्रोटेस्ट में योगदान दिया था, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट 1917 to 1918, मीन्स वो इंडिया में आए, उसके बाद 1617, 1718 उनका पूरा जो जो एक एक साल था मतलब बिजी चल रहा था, ठीक है। अब देखो 1919 में क्या हुआ, 1919 वाला जो है ना एकदम धमाका सा था। 1919 से पहले देखो क्या हुआ, जब 1914 to 1918 जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ग्रेट वॉर चल रहा था, तब उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने दो एक्ट पास किए थे। फर्स्ट इज दैट द सेंसरशिप एक्ट, प्रेस सेंसरशिप एक्ट। सेकेंड इज दैट कि डिटेंशन विदाउट ट्रायल। अब फर्स्ट सेंसरशिप एक्ट में क्या था कि मतलब जो भी प्रेस का है उसमें सेंसर लगा दिया गया था कि हमारे परमिशन के अलावा कोई भी चीज पेपर में आप नहीं छाप सकते। सेकंड चीज डिटेंशन विदाउट ट्रायल, मींस आपको जेल में भी डाल दिया गया, तो उसमें आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई जो है मामला कोर्ट तक ही नहीं जाएगा, कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा कि आप मतलब गिल्टी हो कि नहीं हो, बट आपको सस्पेक्ट के हिसाब से वो जेल में डाल सकते हैं विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी कोर्ट हियरिंग। सो डिटेंशन विदाउट ट्रायल एंड ये जो सेंसरशिप ऑफ द प्रेस, इसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा भड़क गए थे, ठीक है। एंड ये जो दोनों ही जो रिकमेंडेशन थी, ये सर सिडनी रोलैक्ट की जब कमेटी आई थी, ठीक है, उनके अंडर लीडरशिप में जो एक कमेटी आई थी सर सिडनी रोलैक्ट की, एंड उसके अंडर ही जो, इसलिए इसको रोलैट एक्ट बोला जाता है, ठीक है। ये जो रोलैट एक्ट है सर सिडनी रोलैट के अंडर जो है रिकमेंडेशन के को जो है कंटिन्यू कर दिया गया था, तो उन्होंने जो है बोला था कि ठीक है इन दोनों एक्ट को कंटिन्यू करो। अब भड़क गए लोग, एंड ये इतना बड़ा बॉम्ब था ना कि जो इंडिया पे इन्होंने जो फेंका था, जिसके पूरे मतलब फुल हम कह सकते हैं फुल एडवांटेज गांधी जी ने लिया था थ्रू वाइडर मूवमेंट। इन्होंने क्या किया 1919 में, ये जो रोलैट एक्ट है, ठीक है, इसके खिलाफ इन्होंने मास प्रोटेस्ट किया। एंड ये जो मास प्रोटेस्ट था ना, ये ज्यादातर पंजाब में बहुत ज़्यादा फैला था। पंजाब में इसलिए फैला था क्योंकि पंजाब के जो लोग थे, इन्होंने क्या किया था कि ब्रिटिश जब वॉर चल रही थी तो ब्रिटिश के तरफ से इन्होंने भी सर्व किया था, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि चलो हमें रिवॉर्ड वगैरह मिलेगा, ब्रिटिशर्स हमें रिवॉर्ड देंगे, बट उल्टे इन्होंने क्या कर दिया, डिटेंशन वाली पॉलिसी डाल दी, सेंसरशिप वाली पॉलिसी डाल दी, तो लोग बहुत ज़्यादा भड़क गए। तो गांधी जी ने सोचा कि यही एक टाइम है जब हम लोगों को एक मास मूवमेंट करा सकते हैं, जब लोगों को इकट्ठा करके हम
हम इनके खिलाफ, इस ब्रिटिश के खिलाफ जो है हम लड़ सकते हैं। तो रूलर्ट एक्ट के खिलाफ जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, स्कूल्स को शट डाउन कर दिया गया, लोग कॉलेज जाना उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद जो है बंद बुलाए गए, ठीक है, बंद होते हैं ना कि बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब हो रहा था एंड इसका क्लाइमेक्स सीन पता है कौन सा था? अप्रैल 1919 वाला, जलियांवाला बाग मसेकर, आपने सुना होगा। तो अगर आप कभी अमृतसर गए होंगे या फिर गए हो, ठीक है, तो एक जगह जरूर जाना, दैट इज जलियांवाला बाग। तो वहां पे आप देखना मसेकर की निशानी भी है कि बुलेट्स की जहाँ पे लगी थी ना, वहां पे सारे निशानीज है, फोटोज है, हिस्ट्री आपको पता चलेगी। तो जलियांवाला बाग मसेकर क्या था कि ये जो प्रोटेस्ट था इतना ज्यादा वायलेंट हो रहा था, इतना ज्यादा मतलब स्ट्रेसफुल हो गया था ना, कि बैसाखी दिन, उस टाइम बैसाखी चल रहा था एंड जो जलियांवाला बाग है, तो वहां पे क्या हुआ था, जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था एंड सारे जो जगह है बंद कर दिए गए थे, सारे जो गेट वेट है, एंड वहां पे उस ग्राउंड पे ओपन फायरिंग हुई थी। जनरल डायर जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोला था कि यार फायरिंग करो, ठीक है, मतलब ऐसे। एंड जलियांवाला बाग मसेकर एक मैसिव किलिंग, मतलब मोर देन 400 पीपल मारे गए थे, आप सोच सकते हो। दैट इज नोन एज द जलियांवाला बाग मसेकर। एंड इन्हीं सब चीज़ों के बाद इस 1919 के रूलर्ट एक्ट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट वगैरह किया था, सत्याग्रह किया था, इसी के बाद जो गांधी जी है एक नेशनल लीडर के रूप में उभर के आए सबके सामने, ठीक है। एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नॉन कोऑपरेशन भी चल रहा था। क्या क्या चल रहा था देखो, कि स्कूल बंद हो गए थे, ठीक है, कॉलेजेस जाना बंद हो गए थे, लोग टैक्सेस नहीं दे रहे थे, लॉस को नहीं पालन कर रहे थे। उस टाइम में देखो जो खलीफत मूवमेंट चल रहा था उसके साथ भी जो है गांधी जी ने सहयोग दिया था। ये खलीफत मूवमेंट तो इंडियन मुस्लिम्स के द्वारा स्टार्ट हुआ था, शौकत अली, मोहम्मद अली, यानी जिनका डिमांड यही था कि टर्की में खलीफा के खिलाफ, ठीक है, मतलब खलीफा जो है ना उसको अबेंडन कर दिया गया था बाय द टर्किश रूलर केमल अटाटुर्क। तो केमल अटाटुर्क एक टर्की रूलर थे जिन्होंने कैलिफेट को, आपने पढ़ा होगा 11th में, कैलिफेट खलीफा जो रिलीजियस लीडर होते हैं, ठीक है, मुस्लिम के, तो उनको जो है अबेंडन कर दिया था, हटा दिया गया था। तो उन्हीं को रिस्टोर करने के लिए टर्की में जो है ये चल रहा था खलीफत मूवमेंट। एंड गांधी जी ने यही सोचा था अगर हम खलीफत मूवमेंट में भी अपना सहयोग देते हैं तो हिंदू प्लस मुस्लिम्स दोनों साथ में आएंगे एंड साथ में मिलके जो इस कॉलोनियल रूल के खिलाफ जो है ये क्या करेंगे, अपना प्रोटेस्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, एक बेस बनेगा, ठीक है, जितना लोग आ सकते हैं, जितना रिलीजन आ सकता है, तो जो सब मिलके यूनाइट होके हम क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करेंगे। तो उन्होंने यही सोच के जो है अपना खलीफत मूवमेंट में भी अपना सहयोग दिया था, विच इज स्टार्ट बाय लेड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली, हु आर द इंडियन मुस्लिम्स, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द उस टाइम में 17 से लेके 19 तक क्या हुआ था। आई होप इट्स क्लियर। 17 में चंपारण, 18 में अहमदाबाद एंड खेड़ा, 19 में रूलर्ट एक्ट, साथ में जलियांवाला बाग मसेकर, साथ में खलीफत मूवमेंट भी चल रहा था। अब एक मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके एग्जाम में भी आती है, दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या क्या चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन कैसे किया जा रहा था, नॉन कोऑपरेशन जिसको असहयोग आंदोलन भी बोलते हैं, तो उसमें क्या क्या चल रहा था, जिसपे क्वेश्चन जरूर बनता है, प्लीज इसको ध्यान से सुनना। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग टू स्कूल, स्टूडेंट्स ने जो गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, जो ब्रिटिश से या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड है, उनको बाइकआउट किया जा रहा था। तो कॉपरेट नहीं किया जा रहा था, स्टूडेंट स्कूल नहीं जा रहे थे जो गवर्नमेंट द्वारा रन हो रही थी, लॉयर्स जो है कोर्ट नहीं जा रहे थे, ठीक है। वर्किंग क्लास वेंट ऑन स्ट्राइक, तो ये जो वर्किंग क्लास है ये स्ट्राइक पे उतर आए थे। 396 स्ट्राइक्स इन्होंने किए थे, 600,000 वर्कर्स थे एंड 7 मिलियन लॉस ऑफ वर्क डेज। तो अगर ये स्ट्राइक पे बैठे रहेंगे इतने दिन, इतने स्ट्राइक करेंगे, तो इनकी काम की जो लॉस होगी वो तो होगी, ठीक है। तो 7 मिलियन लॉस ऑफ वर्क डेज, 7 मिलियन वर्क डेज की लॉस हुई है। साथ में जो नॉर्थ आंध्रा के जो हिल ट्राइब्स है, ठीक है, जो हिल में रहते हैं, पहाड़ी लोग जो है जो नॉर्दर्न आंध्रा में रहते हैं, उन्होंने जो है फॉरेस्ट लॉ का वायलेट किया। फॉरेस्ट लॉ क्योंकि वहां पे आपको पता है ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट लॉज भी बनाए थे, तो उनको भी इन्होंने खिलाफ जो है वायलेशन किया। उसके बाद फार्मर्स जो है टैक्स नहीं पे कर रहे थे, कुमाऊं के जो पिजन्स थे, ठीक है, कुमाऊं के जो पिजन्स थे वो भी जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये लोड वगैरह कैरी करने को रिफ्यूज कर रहे थे। तो ऐसे इनका जो है नॉन कोऑपरेशन चल रहा था, जितने ज्यादा तरीके से हो सके नॉन कोऑपरेट कर रहे थे। ब्रिटिशर्स के जो गुड्स है उसको नहीं खरीद रहे थे, या उसकी जगह खादी को ये प्रमोट करने
को बोल रहे थे, ठीक है, साथ में लॉयर्स कोर्ट नहीं जा रहे थे, स्कूल कॉलेजेस बंद थे, जा नहीं रहे थे, बंद हो रहे थे, ठीक है। तो ये सारे जो है चीज़ें चल रही थी, स्ट्राइक्स चल रहे थे एंड सब कुछ ये सब चल रहा था, एंड ऐसे ये जो है अपना नॉन कॉपरेशन दिखा रहे थे। एंड लुईस फिशर ने एक बात बोली थी, ठीक है, लुईस फिशर जिन्होंने जो है महात्मा गांधी की जो है बायोग्राफर है, अमेरिकन बायोग्राफर है लुईस फिशर, तो उन्होंने बोला था कि ये जो एक नॉन कॉपरेशन है ना, ये गांधी जी के लाइफ में एक अपोश है। ये अपोश मीन समझते हो, EPOCH, अपोश मीन होता है कि युग, हम कहते हैं ना युगो युगो से, तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है एक गांधी जी के लाइफ में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है कि ये मतलब एक युग, युग कितना बड़ा होता है, ठीक है ना, युगो युगो से हम बोलते हैं ना, तो वैसा ही जो है नॉन कॉपरेशन इनमें लाइफ में हो गया है। आई होप इट्स क्लियर। अब देखो ये नॉन कॉपरेशन होने से क्या हुआ ना कि 1857 जब सिपाही विद्रोह हुआ था या फिर सिपाही म्यूटिनी हुआ था, उस टाइम में जो है ब्रिटिशर्स तो हिल गई थी, बट सेकेंडली जो है यहाँ पे इस नॉन कॉपरेशन को देख के ये ब्रिटिशर्स हिल गए थे। उनको अब लग रहा था कि यार मतलब कुछ तो होगा, इस नॉन कॉपरेशन को देख के ब्रिटिश राज एकदम कांप उठी थी। इसके बाद देखो अगर हम और आगे जाए तो 1922 में एक और चीज हुई थी, दैट इज दी चौरी चौरा। अब चौरी चौरा, इसको डेट इसका याद रखना इजी है, चौरी चौरा CHAURI एंड चौरी चौरा, ठीक है। यहाँ पे देखो दो बार सी आ रहा है, थोड़े स्पेलिंग भी सेम है, तो दो बार सी आ रहा है तो दो को भी दो बार लिख दो, ठीक है, 1922 याद रह जाएगा। तो बिकॉज यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है तो आपको ये ईयर भी याद रह जाएगा। चौरी चौरा कहाँ पे है, फेब्रवरी 1922 में चौरी चौरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, पहले वो यूनाइटेड प्रोविंस में थी, ओके, जो पहले जो उत्तर प्रदेश उत्तरांचल एक साथ था तो वो यूनाइटेड प्रोविंस थी, एंड वहाँ पे था चौरी चौरा। एंड यहाँ पे क्या हुआ, लोग ना बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए थे इन सब चीज़ों के प्रति, इस ब्रिटिश के प्रति, एंड उन्होंने जो है पुलिस पे हमला कर दिया, लोग जो है मारे गए, ब्रूटल किलिंग्स हुई, एंड पुलिस पे हमला किया गया, एंड ऑल टुगेदर हम कह सकते हैं एक बहुत ज़्यादा वायलेंट मूवमेंट हुआ। अब ये सब वायलेशन हुआ, लोगों को मारा गया, तो ये जो मतलब एक उनके ब्रिटिश की नज़रों में तो क्राइम ही है ना, ऑफकोर्स ही बात है ये क्राइम ही है कि इतना ब्रूटल वायलेंस हुआ। एंड जिस वजह से, इस नॉन कॉपरेशन की वजह से काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस को जो है जेल में डाला गया, थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस को जेल में डाला गया, जिसमें से महात्मा गांधी जी भी एक थे जिनको जेल में डाला गया था इस चौरी चौरा की वजह से। एंड गांधी जी उस टाइम पे 1922 में इस वायलेंट मूवमेंट को देख के उन्होंने जो है अपना नॉन कॉपरेशन बंद करा दिया था, क्योंकि वो हमेशा नॉन वायलेंट के उसमें चलते थे, वायलेंट मूवमेंट को देख के, ये सब देख के, किलिंग्स को देख के उन्होंने जो है नॉन कॉपरेशन वहां पे बंद करा दिया। एंड 1922 के बाद हजारों लोगों को जेल में डाला गया, गांधी जी को जेल में डाला गया। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है जो सुन के आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, सीएम ब्रूनफील्ड जो है, ये जस्टिस थे मतलब वहां पे उनके कोर्ट में, इनका नाम था सीएन ब्रूनफील्ड, ठीक है, इन्होंने एक बात बोली थी कि गांधी जी जैसे लोग जो है ना बहुत रेयर मिलते, या फिर उन्होंने ऐसे एक पर्सन जिनके मतलब मिलियंस, लाखों ऑफ लोगों के आंखों में जो है ये ग्रेट पैट्रियट है, ग्रेट लीडर है। एंड इन्होंने एक बात बोली थी दैट यू आर इन डिफरेंट कैटेगरी फ्रॉम एनी पर्सन, आप दूसरों से बहुत ज़्यादा अलग है, जो ना ही मैंने कभी देखा है ना ही शायद मैं देखूंगा ऐसे लोग, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। एंड उन्होंने ये भी बोला था कि अगर जो है इस जो ये सज़ा मिलने वाली थी 6 साल की मिलने वाली थी, ठीक है, बिकॉज इस गुनाह के लिए या फिर इस क्राइम के लिए जो सजा थी 6 ईयर्स की थी, बट उन्होंने बोला था कि अगर कैसे भी करके अगर आपकी जो ये सेंटेंस है, मतलब ये जो इम्प्रिजनमेंट है या फिर आपकी जो ये जो आपके प्रति जो ये दिया जा रही है सेंटेंस, इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस दिया जा रहा है, अगर वो थोड़ा सा भी कम होता तो अगर मैं कम कर पाता या फिर ऐसे हो सकता तो मैं बहुत ज़्यादा प्लीज्ड होता या फिर खुश होता। तो मतलब वो एक अलग टोन में उन्होंने कि यार गांधी जी जो है एक अलग ही टाइप के पर्सन है, अलग कैटेगरी के पर्सन है, जो बहुत रेयर है, एंड लाखों लोगों के आंखों में जो ये ग्रेट पैट्रियट है, लीडर है, एंड मतलब वो एक थोड़ा रिस्पेक्ट भी देते थे उनको, ठीक है, ब्रिटिशर्स भले ही उनके खिलाफ कुछ भी करे बट उनको इतना तो वो मानते थे कि यार उनमें एक अलग फोर्स है क्योंकि लाखों के लाखों लोग उनको मानते हैं, ठीक है। तो ब्रूनफील्ड ने यही बोला था, एंड यही हुआ था एक्चुअली, क्या हुआ था ना कि 6 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट थी बट ड्यू टू सम हेल्थ इशूज़
1924 में आई थिंक गांधी जी, फिर उनको हेल्थ इश्यूज की वजह से उनको छोड़ दिया गया था, ठीक है। बट 1922 के बाद ये क्या बने, अ पीपल्स लीडर, ठीक है, अ पीपल्स लीडर बन गए। क्योंकि आप देख सकते हो कि 1917 से वो कंटिन्यूअसली क्या करे 1922 तक, इन्होंने कैसे जो है लोगों के लिए स्ट्रगल किया इन्होंने। तो गांधी जी ने इस इंडियन नेशनलिज्म की इस चीज़ को ही बदल दिया, और उन्होंने जो स्पीच में प्रॉमिस किया था उन्होंने वो करके दिखाया, ठीक है। लाखों इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेशनल्स, मतलब प्रोफेशनल इंटेलेक्चुअल के साथ साथ जो लाखों पुअर पीपल है उनको भी उन्होंने शामिल किया, एंड मैनी ऑफ देम, ठीक है, गांधी जी को महात्मा बुलाते थे, मतलब लोग जो है उनको महात्मा बुलाते थे, उनके अप्रिशिएट करते थे, बिकॉज उनकी जो ड्रेस थी या फिर जो लैंग्वेज थी बहुत ज़्यादा सिंपल थी। अगर हम इस चीज़ पे फोकस करें ड्रेस, तो काफ़ी कांग्रेस लीडर्स देखना, या फिर आप लोग गांधी नेहरू जी को देख लो, ठीक है, जो जवाहरलाल नेहरू जी थे हमेशा मतलब बंद गला पहन के एकदम सूटेड बूटेड से रहते थे। काफ़ी सारे आप बी आर अम्बेडकर को भी देख सकते हो, ठीक है, मतलब उस टाइम पे लोग जो है थोड़े सूटेड बूटेड रहते थे। बट गांधी जी एक लॉयर थे, बट फिर भी उन्होंने जो है एक नॉर्मल पीपल लाइक उनके जो वो रिलेट कर पाते थे, ठीक है, हम जिससे बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हैं उसी को हम ज्यादा मानते हैं। तो वो मतलब धोती पहनते थे, एक अपना ऊपर व्हाइट कलर का लॉयन क्लोथ हम कह सकते हैं वो पहनते थे, उनकी तरह ड्रेस करते थे, सिंपल लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। एंड वो जो है कॉमन चीज थी कि वो चरखा चलाते थे, एंड इसलिए कि ताकि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये लोगों के बीच में मैनुअल लेबर, मेंटल लेबर, ये जो ट्रेडिशनल डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है, इनको खत्म करने के लिए, ब्रेक करने के लिए चरखा चलाते थे, दूसरों को मोटिवेट करते थे कि हमें जो है क्या करना चाहिए, सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, ठीक है, दूसरों पे रिलायंट नहीं करना चाहिए। तो ये जो सिंप्लिसिटी थी, उनका ड्रेस कोड था, इस सब चीज़ों से लोग जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे, एंड उनको बहुत कनेक्शन एक फील होता था, इसलिए जो है ये गांधी जी को महात्मा बुलाते थे, एंड इनसे इतना ज़्यादा एक पीपल्स लीडर वो बन चुके थे, ठीक है। अब जब कोई इतना फेमस हो जाता है उसके साथ साथ र्यूमर्स भी आने लगते हैं, आपने बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस का सुना होगा इतने र्यूमर्स आते हैं, वैसे भी इनका भी र्यूमर्स आ रहा था। कोई कह रहा था कि गांधी जी को जो है एकदम मतलब इसलिए भेजा गया ताकि वो लोगों के जो दुख है, गरीबों की जो दुख है उनको रिड्रेस कर सके, उनको इस दुख से बचा सके। साथ में कोई कह रहा था कि गांधी जी तो कॉलोनियल ब्रिटिशर्स से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, एंड ये इन मोनार्क को हटा देंगे, इस कॉलोनियल इस रूलर्स, अब गांधी जी आ गए हैं तो ये जो ब्रिटिशर्स है ये भाग जाएंगे, ठीक है। कहता था अगर तुम ऐसे करोगे, ठीक है, मतलब गांधी जी को अगर क्रिटिसाइज करोगे तुम्हारा फसल खराब हो जाएगा, गांधी जी के पास एक मिरेकुलस पावर है, ये सब जो सारी र्यूमर्स थी फैल गई थी। लोग भी जो है गांधी बाबा, गांधी महाराज, महात्मा गांधी ऐसे बुलाते थे उनको, ठीक है, क्योंकि उनको गांधी जी ने जो है उनको हाई टैक्सेस से जो है छुटकारा दिलाया था, ऑप्रेसिव रूल्स, ऑप्रेसिव ऑफिशियल से छुटकारा दिलाया था, उनके लिए इतना सब कुछ किया था, ठीक है, इतने ज़्यादा मूवमेंट, सत्याग्रह, स्ट्राइक, ये सब किया था, उनको हेल्प किया था, तो ऑफकोर्स ये बात है इतना तो उनका बनता है, ठीक है। एंड साथ में ना ही केवल पीशेंट, बट जो जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे जैसे जीडी बिरला हो गए, वो भी सपोर्ट कर रहे थे इस नेशनल मूवमेंट को ओपनली। साथ साथ बाकी पीजेंट से लेके एंटरप्रेन्योर्स तक जो है गांधी जी के सपोर्टर थे, ठीक है। काफ़ी सारे नेशनल लीडर्स कांग्रेस के लीडर्स थे, जैसे वल्लभ भाई पटेल हो गए, सरोजिनी नायडू, अब्दुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, जे बी कृपलानी, ठीक है, बाकी जवाहरलाल नेहरू, एंड इंडियन कांग्रेस के जो है काफ़ी लीडर्स भी थे, इनको मानते थे। तो इनकी जो पॉपुलैरिटी थी, इनकी जो ये लीडरशिप थी ना, बहुत ज़्यादा फैल गई थी, ब्रॉड होती जा रही थी। एंड साथ साथ क्या किया था इन्होंने, एक प्रजा मंडल भी सेटअप किया था, ताकि जो प्रिंसली स्टेट में नेशनलिज्म की भावना है इसको और ज्यादा प्रमोट किया जा सके, और ज्यादा इसके बेस को ब्रॉड किया जा सके, ठीक है। गांधी जी ने भी ये भी बोला था कि इंग्लिश की जगह हमें मदर टंग का यूज करना चाहिए, क्योंकि जब हम मदर टंग में कोई चीज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं वो ज्यादा लोगों तक जो है कनेक्ट हो पाती है, क्योंकि अपनी भाषा से सब ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। तो एक प्रजा मंडल भी गठन किया गया था, जो है इंग्लिश के अलावा मदर टंग को प्रमोट करने की बात चल रही थी। एंड मैंने आपको बताया कि एंटरप्रेन्योर से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट से
लेके, पुअर पिजन से लेके, नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर से लेके, और भी काफ़ी बाकी लोग थे जो नेहरू जी गांधी जी को बहुत ज़्यादा मानते थे। उनकी इस खादी के प्रमोशन से जो है, खादी का प्रमोशन तो करते थे ताकि अपना हम सेल्फ रिलायंट हो सके, ब्रिटिशर्स पे भरोसा ना करना पड़े, दूसरों पे भरोसा ना करना पड़े। साथ साथ वो ये भी कहते थे कि हमें अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना है। उन्होंने ये कहा था जो अपर कास्ट के लोग हैं जो इस नेशनल मूवमेंट में आए हैं, उनको ये बोला कि अगर अपने ही लोगों के साथ हम ऐसा बर्ताव करेंगे तो बाहर के लोग तो ऑफकोर्स ही बातें करेंगे। तो इसलिए उन्होंने अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की थी, साथ में सेल्फ रिलायंट की भी बात की थी। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द थिंग। उन्होंने सोशल लेवल्स को दूर हटाने की बात की थी एंड दैट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट। तो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा 1917 से लेके 1922 तक क्या हुआ, पहले चंपारण, फिर जो हुआ अहमदाबाद, खेड़ा, रोलाट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर, चौरी चौरा इंसिडेंट। ठीक है, ये दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हम दूसरे फेज की बात करेंगे। ठीक है, मतलब थोड़ा सा गैप के बाद जो है और भी कुछ होगा, सत्याग्रह होगा, दांडी मार्च, ये सब हम पढ़ेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो गुड। अगर पसंद आया हो तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ना मिलते अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।